लोकल ट्रेनों को मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है। मुंबईकरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचने में लोकल ट्रेन अहम भूमिका निभाती है, लेकिन अक्सर काम पर पहुंचने की घाई में आम मुंबईकर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वहीं ऐसी दुर्घटनाओं में कई बार लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, तो कई बार इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में उस पर निर्भय परिवार या खुद उस व्यक्ति पर बोझ आ जाता है। लेकिन अब दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि इस तरह के दुर्घटनाग्रस्तों को रेलवे की तरफ से मुआवजा मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री गिरकर घायल हो जाते हैं तो ये अप्रिय घटना के दायरे में आएगा और रेलवे को इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने पश्चिमी रेलवे को एक 75 वर्षीय व्यक्ति को 3 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। उस बुजुर्ग को भीड़ भाड़ वाली ट्रेन से गिरकर पैर में चोट लगी थी। 12 अप्रैल के आदेश के प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। इसमें पश्चिम रेलवे ने तर्क दिया कि मामला रेलवे अधिनियम धारा 124A के प्रावधानों के तहत नहीं आता, जिसमें कहा गया है कि अप्रिय घटनाओं के मामले में मुआवजे का भुगतान करना होगा। रेलवे ने दावा किया कि याचिकाकर्ता नितिन हुंडीवाला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस डोंगरे ने रेलवे के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 124A के अनुसार अप्रिय घटना की स्थिति के अंतर्गत आता है। कोर्ट द्वारा ऑर्डर में कहा गया कि यदि दैनिक कार्यों में एक यात्री भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में प्रवेश करने की प्रयास करता है और अन्य यात्रियों द्वारा धक्का देने पर गिर जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि ऐसी घटना किसी अप्रिय घटना के दायरे में नहीं आ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।